नमस्ते स्टूडेंट्स, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत 8वीं कक्षा के इतिहास का अध्ययन करने जा रहे हैं और इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम आपके चौथे चैप्टर चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। तो चलिए बच्चों, हम लोग उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज के इस दूसरे वीडियो पे हम लोग फोकस करते हैं। इससे पहले मैं इस चैप्टर पे एक वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ और मुझे विश्वास है कि आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। तो चलिए उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में और क्या 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 कुछ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एक बात आपको याद रखना है कि आप वीडियो के अध्ययन के पूर्व आपका जो JCERT का जो पाठ्य पुस्तक है उसके चैप्टर नंबर 4 को एक बार आप लोग रीडिंग कर लें और रीडिंग करने के पश्चात आपको निश्चित रूप से वीडियो के माध्यम से जो समझ है वो कहीं अधिक क्लियर होगी। तो टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स आपको नहीं छोड़ना है, टेक्स्ट बुक को आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब हम उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज की जब हम बात करते हैं तो पहले वीडियो के माध्यम से मैं आपको उपनिवेशवाद के बारे में भी बताया, आदिवासी समाज के बारे में भी बताया और लगभग भारत के विभिन्न आदिवासी समाजों के बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। तो स्टूडेंट्स, अभी वर्तमान जो आपके सामने जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि जो झारखंड का जो आदिवासी समाज है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो हमारा झारखंड राज्य है ये वास्तव में यदि देखा जाए तो यहाँ पर आदिवासियों की संख्या काफ़ी अधिक है और आदिवासी भाषा और संस्कृति यहाँ की संस्कृति में रची बसी हुई है। और सच पूछिए तो आदिवासी यदि संघर्ष नहीं करते तो शायद झारखंड राज्य भी नहीं बना होता। तो आदिवासी जो है शुरू से ये चाहते थे, यहाँ के आदिवासी चाहते थे कि झारखंड एक अलग राज्य बने। तो ये झारखंड राज्य हमारा 15 नवंबर 2000 को बनकर तैयार भी हुआ। तो इसके पीछे हालांकि बहुत सारे लोग इस संघर्ष में शामिल थे लेकिन आदिवासियों का जो इसमें संघर्ष है वो इसमें महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है और इसको हम लोग नहीं नकार सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बात और आपको मैं बता दूं कि हमारे झारखंड राज्य में लगभग 30% के आसपास आदिवासी रहते हैं और इस राज्य में लगभग 32 जो हैं हमारे आदिवासी जनजातियां यहां निवास करती हैं। तो जैसे जब कभी भी आदिवासी जातियों की बात होती है तो हम लोग संथाल की बात करते हैं, उगाँव हो और मुंडा की बात करते हैं, लेकिन इसके अलावे भी स्टूडेंट्स बहुत सारी आदिवासी जातियाँ यहाँ निवास करती हैं। क्या आपने चीक बड़ाइक का नाम सुना? चीक बड़ाइक। क्या आपने बिरहुआ का नाम सुना? माल पहाड़िया का नाम सुना? असूर का नाम सुना? बैगा का नाम सुना? तो स्टूडेंट्स बहुत सारी जातियाँ यहाँ निवास करती हैं। किसान भी एक जाति है यहाँ पे जो जनजाति की श्रेणी में है। ठीक है, भूमिज है ना। तो स्टूडेंट्स एक बात मैं बता दूं कि हम तो झारखंड राज्य में निवास करते हैं और आप जिस जिले में भी होंगे, 24 में से किसी भी जिले में आप होंगे तो बहुत संभव है कि वहाँ पे आप आदिवासियों की जो का जो रहन सहन है, उनकी संस्कृति है, उसको आप जरूर देख रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बात और नोट कर लीजिए, इसको जानना चाहिए 8वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को कि झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या जो 3,29,00,000 है 2011 की जनगणना के अनुसार, उसमें लगभग 46,86,45,000 मतलब लगभग 86,500 आदिवासी यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन बातों को याद रखना चाहिए। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि जो झारखंड राज्य है इसमें कौन कौन से आदिवासी समाज हैं, तो बता दिया हमने आपको। अब हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं बिरसा मुंडा जी के ऊपर में। तो हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि बिरसा मुंडा का जो संघर्ष है वो किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है और उस संदर्भ में आपको क्या क्या बातें आपको जाननी चाहिए। तो
तो स्टूडेंट्स, मैंने खुद से देखिए ये पीपीटी बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है स्पष्ट रूप से आदिवासी समाज के बारे में बता सकूँ। तो इसमें आपको बहुत कुछ ऐसे वैसे जानने के लिए है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पाठ्यपुस्तक में है स्टूडेंट्स, यदि आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन बावजूद उसके चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या कुछ और हम जान सकते हैं इस चैप्टर में। तो चलिए, आपके चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, और इसमें मूल रूप से यदि आप शुरुआत करेंगे तो देखेंगे कि बिरसा मुंडा जी, जिनको हम लोग झारखंड में भगवान के रूप में पूजते हैं, भगवान की उपाधि इनको देते हैं, इनको सम्मान देते हैं, इनके प्रति हम नतमस्तक होते हैं, तो उन्हीं के संदर्भ में शुरुआत करते हुए इस चैप्टर जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन और अक्षरशः हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप झारखंड के किसी भी ज़िले में निवास कर रहे हों, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रखंड में निवास कर रहे हो, लेकिन ये तो संभव नहीं कि आप बिरसा मुंडा जी के बारे में आप नहीं जानते हो। बिल्कुल आप जानते हैं। और देखिए कितना अच्छा संयोग है स्टूडेंट्स हमारे राज्य के लिए कि हमारे राज्य की जो स्थापना का जो की जो तिथि है ना, वो भी 15 नवंबर है। ठीक है, तो 15 नवंबर जो है वो बिरसा भगवान का जन्मदिन भी है, ये तो आपको पता है। तो दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग को क्या कुछ देखना है। झारखंड का आदिवासी समाज बिरसा मुंडा को भगवान की तरह याद करता है, बिल्कुल करता है। बिरसा मुंडा झारखंड के सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी क्रांतिकारी व्यक्तियों में से एक थे। बिरसा एक ऐसे धर्म का प्रचार करना चाहते थे जो निस्वार्थ सेवा, सादा जीवन एवं उच्च आचरण पर आश्रित था। वे जनजातियों के बीच से अंधविश्वासों का उन्मूलन करना चाहते थे। स्टूडेंट्स, एक बात आपको याद रखना चाहिए हम सभी को कि कोई भी व्यक्ति महापुरुष तो बाद में होता है, पहले वो इस धरती पे जन्म लेता है एक आम इंसान के तौर पर, और उस इंसान के कर्म जब बहुत अच्छे होते हैं, वो सदाचार का जीवन जीता है, वो परमार्थ का जीवन जीता है, वो कल्याणकारी कार्य से जुड़ा रहता है, ऋषि मुनियों के समान उसके आचरण होते हैं, और अपने लोगों के सेवार्थ, अपने लोगों के रक्षार्थ, रक्षा के कारण उसका जीवन का बलिदान भी हो जाता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को भगवान हम नहीं कहेंगे? स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति को हम भगवान कहेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि झारखंड का जो आदिवासी समाज है वो बिरसा मुंडा जी को भगवान के रूप में मानता है। और एक चीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि बिरसा मुंडा जी जो हैं वो एक तरह से झारखंड क्षेत्र या हमारे देश के लिए जो है अंग्रेजों से लड़े थे, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक बात और है कि वो कुरीतियों से भी लड़े थे, वो अंधविश्वास से भी लड़े थे। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी बातें अपने लोगों को बताई थी कि हम लोगों को कैसे रहना चाहिए, कैसे जीवन यापन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है बिरसा ने अपने लोगों में अपने आदिवासी समाज के बीच ये इन चीज़ों का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया था। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ 1875 में तो बिरसा का जन्म ही हुआ और 1900 में इनकी मृत्यु हो गई। तो 1875 से लेकर के 1900 तक का जो समय होता है स्टूडेंट्स, मात्र 25 साल होता है। बच्चों, 25 साल का जीवन क्या कोई बड़ा जीवन है? बहुत छोटा जीवन है। अब स्टूडेंट्स आप इस अर्थ में लीजिए कि हम लोग 15-16 वर्ष तक तो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। 15-16 साल तक का जो उम्र होता है वो तो बचपन वाला उम्र है, तो बाकी के जो 10 वर्ष उनको मिले होंगे या 5 वर्ष जो उनको मिले होंगे, उसी में उन्होंने इतना कुछ किया कि आज वो हमारी धरती के भगवान हैं। ठीक है, तो उनके प्रति हमें सम्मान तो ज़रूर प्रकट करना होगा, और ख़ास करके जब हमारा झारखंड राज्य बन गया है ना, तो सच पूछिए तो बिरसा के अरमानों को भी हमें पूरा करना है। और बिरसा के अरमानों को सिर्फ राज्य बना के हम पूरा नहीं कर सकते बच्चों, आपको पढ़ाई करना होगा, आपको अच्छी से अच्छी पढ़ाई करनी होगी। बिरसा चाहते थे कि हमारे लोग पढ़े लिखे हों, हमारे लोग सुसंस्कृत हों, हमारे लोग जो हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, हमारे लोग कुरीतियों से दूर रहें। तो बच्चों आपको भी ये सब पर ध्यान देना है,
ना सिर्फ हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, बल्कि ईसा ने जो हमें उपदेश दिए, जो बातें हमें कही कि आपको करना है, तो वो करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखिए, आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए। ईसा का सर्वोच्च धर्म परोपकार था। ईसा के धर्म का संबंध उनकी अपनी जनता की मुक्ति से था। सन 1895 ईस्वी में जुलाई का महीना था। ईसा अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहे थे, तभी अचानक गरज के साथ बारिश भी शुरू हो गई। आकाशी बिजली ईसा पर गिरी, लेकिन उनकी जीवन रक्षा हो गई। बच्चों आप समझ गए होंगे बातों को। इस घटना के बाद ईसा ने खुद यह ऐलान किया कि उन्हें ईश्वर ने लोगों की रक्षा के लिए भेजा है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि जो खूंटी के जो जंगल हैं, जो पश्चिमी सिंहभूम का जो उत्तरी क्षेत्र है, जिसको हम लोग पुड़ाहाट का जंगल बोलते हैं, तो वो बंदगांव मुरहू वाला क्षेत्र है, अड़की वाला जो क्षेत्र है। तो यदि आप खूंटी ज़िले के बारे में कुछ भी अनुभव रखते हैं तो आपको पता होगा कि वो कितने घनघोर वनों से घिरा हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम का जो खास करके जो उत्तरी इलाका है वो काफ़ी घनघोर जंगल है। वैसे तो सरंडा का जंगल भी काफ़ी घनघोर है, लेकिन जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर ईसा का जन्म हुआ था, तो वहाँ पे वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहे थे। उसी समय तेज़ बारिश होती है और वज्रपात हो जाता है। वज्रपात मतलब जो आसमान से बिजली गिरती है, आसमानी बिजली जिसको हम लोग बोलते हैं। और स्टूडेंट्स देखिए, अब उसको चमत्कार कहिए या जो कहना है कहिए, लेकिन ईसा बच जाते हैं, उनकी जीवन रक्षा हो जाती है। और उसी समय वो ऐलान करते हैं स्टूडेंट्स कि ईश्वर ने उन्हें लोगों की रक्षा के लिए भेजा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन बातों को हमें समझना होगा कि ईसा जो है वो अपने लोगों को क्या कहना चाहते थे, वो क्या जानकारी देना चाहते थे। तो देखिए, आदिवासी समाज अपने आसपास हो रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन शैली नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। इस कार्य में अंग्रेजों के साथ ही साथ दीकू भी शोषक की भूमिका में थे। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी शासन काल जब अपने चरम पे था, जिस वक्त अंग्रेज जो है मतलब पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लेते हैं, स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि वो लगभग 1895 वाला साल था, है ना। तो 1895 वाले साल में क्या हुआ था कि उस समय तक में अंग्रेज जो है कई जंगलों को, झारखंड के ही नहीं, देश के कई जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिए थे। रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने से फ्रेंड क्या हुआ कि वो लोग जो है स्थानांतरित कृषि करते थे, आदिवासी जो स्थानांतरित कृषि करते थे, और जंगलों में जो उनका स्वच्छंद जीवन जो जीने का जो एक रिवाज था, एक परंपरा थी, है ना, एक आजीविका थी, तो उसमें एक प्रकार से खलल पैदा हो रहा था। वे बेचैन थे कई कारणों से स्टूडेंट्स, वे बेचैन थे दीकुओं से भी बेचैन थे। स्टूडेंट्स देखिए, दीकू का मतलब यहाँ ये समझिएगा कि वे लोग जो कि झारखंड क्षेत्र में बाद में आए और कई बार तो वो शोषक की भूमिका में भी आए, है ना, क्योंकि उन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और आदिवासियों का साथ नहीं दिया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, दीकू शब्द का प्रयोग पहले तो आदिवासी जो हैं वो मेहमानों के लिए करते थे, मतलब जो बाहर से मेहमान आते थे उसको दीकू बोलते थे। लेकिन स्टूडेंट्स बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जो बाहर से आने वाले जो लोग थे, मतलब अन्य लोग, चाहे वो अंग्रेज हों या दूसरी जाति के लोग हैं, तो उसमें जो खास करके जो महाजन लोग होते थे, ऐसे लोग जो कि पैसा उधार देते थे आदिवासियों को, तो ऐसे लोग जो है शोषक की भूमिका में आ गए और ये लोग जो है अंग्रेजों से मिल करके आदिवासियों की जमीन वगैरह भी मतलब एक प्रकार से उनसे हड़पने का प्रयास किए, और मतलब आदिवासियों को इससे हानि हुई, इससे उनकी आजीविका भी नष्ट हुई और कई आदिवासी तो मजदूर बनने पर भी मतलब एक तरह से वो मजदूर बन ही गए। तो बाद में दीकू शब्द जो है नकारात्मक रूप में आदिवासी प्रयोग में लाने लगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन बातों को आपको समझना होगा कि ईसा जो है अपने लोगों को क्या कहते हैं, है ना। ईसा अपने लोगों को काफ़ी कुछ समझाते हैं और बोलते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो झारखंड में वैसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, लेकिन उसमें ईसा मुंडा का नाम एक अग्र मतलब सबसे ऊपर है। उनको हम लोग जो है कि महान स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में उनका नाम हम लोग रखते हैं।
वैसे बाबा तिलका मांझी भी हैं जो कि संथाल विद्रोह से जुड़े हुए हैं, सिद्धू कानू चांद भैरव भी हैं, तिलंगा खड़िया भी हैं, है ना, और भी हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे इसमें जो सबसे नीचे है बिरसा का उलगुलान 1895। तो अभी चूंकि हम लोग बिरसा भगवान के बारे में बात कर रहे हैं तो बिरसा के उलगुलान के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिरसा के साथ 1895 में, है ना, अंग्रेजों और बिरसा की जो सेना थी उन दोनों के बीच में जो है खूनी संघर्ष हुआ, है ना। और इस संघर्ष के पीछे आदिवासियों का उद्देश्य क्या था? आदिवासी किसी को कुछ छीनते नहीं हैं स्टूडेंट्स, और छीनना भी नहीं चाहते थे। आदिवासी बस सिर्फ चाहते थे कि उन्हें स्वच्छंद रहने दिया जाए, स्वतंत्र रहने दिया जाए, है ना। तो बिरसा जो है वो अपने लोगों के साथ मिलकर उलगुलान, जिसको हम लोग क्रांति कह सकते हैं, वो बिरसा की क्रांति थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिरसा का संघर्ष तो है ही हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। अब देखिए आगे अंग्रेजी में कुछ पंक्तियां हैं, जानना चाहिए आपको। ऑल ट्राइबल्स वर अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वर एक्सपीरियंसिंग एंड द प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे वर अनहैप्पी। स्टूडेंट्स कौन थे अनहैप्पी? अनहैप्पी ट्राइबल्स थे, यानी आदिवासी थे। क्यों अनहैप्पी थे? इसलिए अनहैप्पी थे कि वो जो ब्रिटिश सत्ता थी उसके साथ वो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ठीक है। आगे देयर फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ सीम टू बी डिसअपियरिंग, देयर लाइवलीहुड वेयर अंडर थ्रेट एंड देयर रिलीजन अपियर टू बी इन डेंजर। कई चीज़ें हो गई थी स्टूडेंट्स, जैसे कि उनका जो रहन सहन का जो तरीका था, उनका जो जीवन यापन का तरीका था, उसमें बाधा उत्पन्न हो गई थी। और उनका जो लाइवलीहुड यानी कि उनकी जो आजीविका थी, स्टूडेंट्स उनकी आजीविका क्या थी? साधारण वो किसानी करते थे और कुछ कंद मूल फल जो जंगलों में उनको मिलता था उसका उपयोग करते थे। आदिवासी समाज जो होता है ना स्टूडेंट्स, सच पूछिए तो वो मतलब संग्रह की प्रवृत्ति इनमें होती नहीं। ये लोग जो है कम उपभोग में ही जीवित रहना पसंद करते हैं, इनके घरों में सामान भी बहुत कम होते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन पर खतरा का मतलब उमड़ पड़ना, एक प्रकार से यदि आप देखिएगा तो इनके अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ था। तो जब आदिवासियों पर स्टूडेंट्स अस्तित्व का खतरा आता है ना, तो इसी तरह की परिस्थितियां पैदा होती है, तब तो उलगुलान होता ही है, है ना। और एक चीज़ जानिए, एंड देयर रिलीजन अपीयर टू बी इन डेंजर, इनका जो धर्म था ना वो भी खतरे में आ गया था, क्योंकि वो जिस धर्म और जिस परंपरा को वो मान रहे थे, है ना, तो वहाँ पे भी इनके साथ जो है कुछ परेशानियाँ उत्पन्न हो रही थी। तब बिरसा ने क्या किया? बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू गिव अप ड्रिंकिंग लीकर। देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है स्टूडेंट, आज भी हम कहेंगे कि बिरसा ने जो कहा उन बातों को हमें समझना चाहिए। बिरसा ने कहा नॉट टू डू नॉट ड्रिंक, उन्होंने कहा कि अपने फॉलोअर्स को, अपने अनुयायियों को कहा कि आपको शराब नहीं पीना है, एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट। स्टूडेंट्स विच क्राफ्ट क्या होता है? विच क्राफ्ट होता है जो झारखंड क्षेत्र में डायन प्रथा है ना स्टूडेंट्स, उसको हम लोग विच क्राफ्ट बोलते हैं। एंड सोर्सरी, सोर्सरी होता है वो जिसको हम लोग टोना बोलते हैं। तो ये जो मैंने डायन प्रथा और टोना प्रथा, ये सब गलत चीज़ें हैं। तो आज से 125 साल पहले स्टूडेंट्स बिरसा ने कह दिया था कि ये चीज़ें गलत हैं, तो हमें समझना चाहिए, है ना। कम से कम आज तो हम इन बातों को समझें और ऐसी कोई घटना हमारे घरों में ना हो, हमारे गाँवों में ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर को, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना है, ठीक है स्टूडेंट्स।